गाइस ये इनजस्टिस 2 का एपिसोड नंबर 31 है और मैं ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो इस कॉमिक सीरीज को नहीं देखते, पर अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है तो ये कॉमिक सीरीज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि एक तो इसमें सुपरमैन और बैटमैन एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और ऊपर से मैंने इस कॉमिक बुक के बहुत सारे इश्यूज पहले ही कवर कर लिए हैं, तो आपको इस कॉमिक बुक सीरीज को देखने के लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज अगर आप इस कॉमिक सीरीज को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर इस कॉमिक बुक सीरीज की प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, लेकिन एपिसोड 3 से ही शुरू कीजिएगा क्योंकि पहले के 2 एपिसोड बिल्कुल ही बेकार बने हैं, इसलिए मैंने 3 एपिसोड में पिछले दोनों एपिसोड्स का एक फुल रिकैप दिया हुआ है। तो चलिए अब आज का एपिसोड शुरू करते हैं एपिसोड 30 के एक डिटेल्ड रिकैप के साथ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अमेजो को रोक लिया गया है, पर अर्थ पर बैटमैन और बाकी की टीम को अभी भी ये पता नहीं चला था, लेकिन जब ब्लू बीटल मून से वापस अर्थ पर पहुंचता है तो वो उन्हें बताता है कि अमेजो खुद ही किसी मेल फंक्शन की वजह से ब्लास्ट हो गया, पर ऐसा नहीं हुआ था। हम सभी को पता है कि अमेजो को मारने वाली कारा यानी सुपर गर्ल थी, जिसने ब्लू बीटल को सभी को उसकी सच्चाई बताने के लिए मना किया था। वहाँ दूसरी तरफ डेमियन और एथेनेसिया दोनों ही फाइट कर रहे थे, जहाँ आइवो के सेल से बाहर निकलते हुए सुसाइड स्क्वाड डेमियन को पकड़ लेती है और एनिमल मैन एथेनेसिया की गोली लगने से मर जाता है, पर विक्सन और जेसन वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आइवो को जान से मारना एथेनेसिया को ही भारी पड़ गया। राहुल अपनी ही ग्रैंड डॉटर को मारने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि सोल्वर ऐसा ही चाहता था, और इस सब की वजह उस प्लान का फेल होना था जिसका सक्सेस राहुल ने सोल्वर को प्रॉमिस किया था। लेकिन एथेनेसिया और डेमियन वहाँ से भी निकल जाते हैं जब उनकी माँ उन्हें बचाने के लिए वहाँ आ जाती है। बैटल ग्राउंड में बैटमैन को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि अमेजो खुद ही ब्लास्ट हो गया, तो वो वंडर वुमन से गुस्से में पूछने लगता है, और ऐसा लग रहा था कि अब बैटमैन और वंडर वुमन की एपिक फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सुपरबॉय उनके बीच में आ गया था, जो उन्हें समझाता है कि ये वक्त दोबारा से लड़ाई करने का नहीं है, अभी भी लोगों को उनकी जरूरत है। तो ये बात वहीं शांत हो जाती है। फिर सभी हीरोज इमरजेंसी सर्विसेज की मदद करने के बाद वेन एंटरप्राइजेज में चले जाते हैं, क्योंकि अभी भी दिल्ली के लोगों को फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करनी थी। वहाँ दूसरी तरफ एल्फ्रेड और सेलिना वेन मैनर में अकेले थे, पर उनका अकेलापन तभी दूर हो जाता है जब एथेनेसिया वहाँ कर सेलिना को शूट कर देती है और एल्फ्रेड को किडनैप कर लेती है। तो गाइज बस यही था जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तो चलिए अब शुरू करते हैं इनजस्टिस 2 का न्यू एपिसोड। आज का एपिसोड शुरू होता है वेन इंडस्ट्रीज गॉथम से, जहां भी हार्ली कॉनर के साथ खेल रही थी, और वहां कोई और इसलिए नहीं था क्योंकि बाकी सभी मीटिंग रूम में थे, जहां ब्रूस सबको बोल रहा होता है शायद राहुल सही था। ब्रूस की ये बात सुनकर बाकी सभी उसे बहुत ही क्यूरियस होकर देखने लगते हैं, और ओलिवर कहता है मुझे लगता है आज तुम बहुत कुछ बोलने वाले हो। तो ब्रूस कहता है हाँ, और शायद दुनिया को सच में खुद से ही बचाने की जरूरत है, और हम ये काम आज ही शुरू करने वाले हैं। दिल्ली हमारे देखते ही देखते तबाह हो गई, हम पूरे शहर को दोबारा से रीबिल्ड करेंगे, और वो भी पहले से भी बेहतर। पर माइकल यानी बूस्टर गोल्ड इस पर कहता है मैं समझ गया कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन लास्ट टाइम जब तुमने ऐसा किया था तो ये सब प्रेसिडेंट्स की डेथ और एक मास एक्सटिंक्शन के साथ खत्म हुआ था, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें वही गलती दोबारा से नहीं दोहरानी चाहिए। तो ब्रूस उसे कहता है माइकल कार्टर मुझे पता है टेड कोड और तुम बहुत ही अच्छे दोस्त थे, पर मुझे नहीं पता उसने सब कुछ तुम्हारे हवाले क्यों छोड़ दिया। मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, पर तुम ये सब संभालने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। लेकिन तभी ब्रदर आई ब्रूस को कॉन्टेक्ट करता है और कहता है ब्रदर वेन मैनर के ईस्ट विंग में 37 कैमराज काम नहीं कर रहे। तो ब्रूस सभी को कहता है आई एम सॉरी पर मुझे एक कॉल उठानी पड़ेगी। डायना उसे पूछती है क्या सब ठीक है ब्रूस, तो ब्रूस कहता है वेन मैनर में सिक्योरिटी कैमराज के साथ कुछ प्रॉब्लम है और ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे खुद जाकर चेक करना होगा। तो माइकल ब्रूस को पूछता है क्या तुमने सिस्टम को दोबारा से ऑन और ऑफ करने की कोशिश की, मे बी इससे काम बन जाए। ब्रूस कहता है ऐसा नहीं है, ये इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे खुद ही जाकर देखना होगा। लेकिन तभी ब्रूस ब्रदर आई को कहता है क्या तुमने ऑन और ऑफ करके देखा। ब्रदर आई कहता है मैंने पूरा सिस्टम रीसेट कर दिया, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कैमरास अभी भी काम नहीं कर रहे और बाकी जगह बिल्कुल ठीक है, बस ईस्ट विंग में ही प्रॉब्लम है। तो ब्रूस पूछता है सेलिना और एल्फ्रेड कहाँ थे। ब्रदर आई कहता है वो भी उसी जगह पर थे। तभी ब्रूस को कुछ गड़बड़ लगती है और वो ब्रदर आई को पूछता है एक्सटर्नल मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स वो भी काम नहीं कर रही क्या, और क्या तुमने सेलिना को कॉल करने की कोशिश की। ब्रदर आई कहता है हाँ ब्रदर मैंने सब कुछ ट्राई किया और सेलिना काइल को भी बार बार कॉल की और वेन मैनर के लैंडलाइन नंबर पर भी,
पर वहाँ से भी कोई आंसर नहीं आया। और तभी ब्रूस सभी को कहता है मुझे जाना होगा। तो इस पर ओलिवर कहता है मुझे लगा था आज हम दुनिया को बचाने वाले हैं, पर क्या ये उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर डायना भी ब्रूस से पूछती है कि कोई टेंशन है ब्रूस, अगर हमारी मदद चाहिए तो बता दो, हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। ब्रूस कहता है ऐसा कुछ नहीं है, और नताशा तुम टीम को बाकी सब कुछ एक्सप्लेन कर देना। पर डायना फिर से ब्रूस को कहती है ब्रूस अगर हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ये याद रखना। तो ब्रूस कहता है मैं जानता हूँ डायना, पर अभी तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है, और वैसे भी मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। फिर ब्रूस बैटकेव में टेलीपोर्ट हो जाता है और अपना बैट सूट पहनने लगता है। बैटमैन ब्रदर आई से सेलिना और एल्फ्रेड की लास्ट लोकेशन पूछता है, जहाँ ब्रदर आई उसे बताता है कि एल्फ्रेड लास्ट टाइम मास्टर बेडरूम में दिखे थे और सेलिना काइल ईस्ट विंग के किचन में। फिर बैटमैन वहीं पहुंच जाता है जहाँ एथनेसिया ने सेलिना को शूट किया था। ब्रदर आई ब्लड को एनालाइज करके कहता है कि वो सेलिना काइल का खून है। बैटमैन एकदम से टेंशन में आ जाता है और कहता है नहीं, ये दोबारा से नहीं हो सकता एल्फ्रेड, और फिर मास्टर बेडरूम की तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन जब बैटमैन वहाँ पहुँचता है तो एल्फ्रेड तो उसके सामने बैठा था, और उसके साथ कोई और भी था, एथनेसिया, जिसकी एक गन पॉइंट पे एल्फ्रेड था और दूसरी पर वही पपी जो बैटमैन घर लाया था। एथनेसिया कहती है तुम्हारा एक कदम और इन दोनों में से किसी एक की मौत, तो मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। बैटमैन उससे पूछता है तुम चाहती क्या हो, पर तभी एथनेसिया बताने ही वाली थी कि एल्फ्रेड बीच में आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, एल्फ्रेड मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोनों को पता है कि ये किसकी गलती है। क्या तुम्हें अभी भी फील नहीं होता लाइफ के वो मिसिंग हिस्से जो रिप्लेस कर दिए गए, जो हर बार आधे अधूरे याद आते रहते हैं। फिर एथनेसिया खड़ी हो जाती है और कहती है पीछे हट जाओ एल्फ्रेड, पीछे हटो, पर तभी वो छोटा सा पपी भौंकने लगता है। इससे एथनेसिया और ज्यादा भड़क जाती है और कहती है चुप हो जाओ, मैंने कहा अभी के अभी चुप हो जाओ, और फिर एक जोरदार गोली की आवाज, और ये नहीं पता कि वो गोली एल्फ्रेड को लगी या उस पपी को। पर आगे हम देखते हैं कि एल्फ्रेड अभी भी जिंदा था और वो गोली उस पपी को लगी थी। एथनेसिया इससे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बैटमैन को कहती है नहीं नहीं नहीं, देखो तुमने मुझसे क्या करवा दिया, ऐसा क्यों होता है कि तुम जिस भी चीज को छूते हो उसे मरना पड़ता है, टेल मी। पर फिर एल्फ्रेड एथनेसिया से उस पपी को मांगने लगता है कि कोई बात नहीं अब इसे मुझे दे दो, पर तभी बैटमैन इसी बात का फायदा उठाकर एथनेसिया के हाथ से गन छीन लेता है। पर एथनेसिया के पास एक और गन थी और वो उससे बैटमैन को शूट कर देती है और एल्फ्रेड को भी बेहोश कर देती है। दोनों एल्फ्रेड और बैटमैन बेहोश पड़े थे और वो पपी मर चुका था। फिर उसके कुछ टाइम के बाद बैटमैन और एल्फ्रेड दोनों रस्सियों से बंधे दिखते हैं। एथनेसिया इस बात से बहुत गुस्सा थी कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव होने पर भी बैटमैन को ये नहीं पता चला कि वो उसी की बेटी है, पर बैटमैन को सच में नहीं पता था, इसलिए वो एथनेसिया से इसके लिए माफी भी मांगता है। पर एथनेसिया बैटमैन की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी, तो बैटमैन यही पूछ लेता है कि सेलिना कहाँ है। तो एथनेसिया उसे कहती है होगी कहीं मरी पड़ी और शायद मरने वाली हो, मुझे क्या जो मर्जी हो। पर दूसरी तरफ सेलिना अभी भी जिंदा थी और दर्द में होने के बावजूद भी वो ब्रदराई से कहती है ब्रदराई मुझे सर्जिकल स्टेपल्स, एनेस्थेटिक और कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स की जरूरत है। ब्रदराई उसे कहता है आपको वो सब कुछ मेडिकल रूम से मिल जाएगा जो उस डायनासोर के पीछे है। सेलिना ये सुनकर कहती है वाह क्या जगह है, एक मेडिकल रूम के लिए एक परफेक्ट प्लेस। फिर ब्रदराई सेलिना को बताता है कि बैटमैन उसे ढूंढ रहा था पर अब वो भी उसे नहीं मिल रहा। सेलिना ये सुनकर कि ब्रूस भी वहाँ पर है बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि एथनेसिया एक पूरी साइकोपैथ बन चुकी है जो बैटमैन से बदला लेने के लिए उसे मार भी देगी। दूसरी तरफ एथनेसिया अभी भी बैटमैन को टॉर्चर कर रही थी। वो कहती है जब मैं पैदा हुई तब भी तुम मेरे साथ नहीं थे, जब मैं मरी तब भी तुम मेरे साथ नहीं थे, और जो मेरे लिए खड़ा हुआ, जिसने मुझे जिंदा किया, जिसने मुझे पाला, तुमने उसे ही मुझसे छीन लिया, उसी को मेरे खिलाफ कर दिया। अब राहुल मेरे खिलाफ है, तुमने उनसे उनकी ड्रीम और फ्यूचर छीना, तुमने अपने प्लेनेट को दोबारा से रेस्क्यू नहीं होने दिया। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे एक फादर की जरूरत नहीं है, अब मैं बस एक चीज सही करना चाहती हूँ और वो है तुम्हारी मौत, तुम्हें मरना होगा और अभी। लेकिन इससे पहले एथनेसिया कुछ कर पाती खिड़की के शीशे टूट जाते हैं और एक एरो सीधे एथनेसिया के पास आकर एक गैस ब्लास्ट कर देता है। एथनेसिया खुद को बचाने के लिए धुएं में ही फायर करने लगती है,
पर अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि बैटमैन की टीम वहां पहुंच चुकी थी। स्टील, बूस्टर और हार्ली तीनों मिलकर एथेनेसिया को रोक देते हैं और उनके पीछे ब्लैक कैनरी और ग्रीन एरो भी पहुंच चुके थे। ग्रीन एरो आते ही कहता है, मीटिंग बहुत ज्यादा बोरिंग थी इसलिए हम यहाँ आ गए। पर बैटमैन तो एल्फ्रेड का हाल पूछने लगता है और सेलिना वो कैसी है, तो डायनो से एक फोन देकर कहती है, लो खुद ही बात कर लो। सेलिना ठीक थी, वो कहती है, मैं ठीक हूँ ब्रूस, मैंने डायनासोर से बहुत सारे पेन किलर्स उधार लिए हैं, मैं उसे बाद में उन्हें वापस कर दूंगी। फिर डायना आखिर में कहती है, ब्रूस दुनिया को बचाने की जरूरत है, पर आज हमें ऐसा लगा कि पहले तुम्हारी दुनिया बचानी चाहिए। ब्रूस अपनी टीम की इस हेल्प से बहुत इमोशनल हो जाता है और उन सबको थैंक यू कहता है और एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सुपर हीरो कॉमिक्स को डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस यही था, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।